हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। गैस आज की वीडियो होने वाली है पेमेंट्स प्रूफ वाली। गैस आज मैं आपको फ्रीजा ऐप का लाइव पेमेंट्स प्रूफ दिखाने वाला हूं। गैस काफी से लोग फ्रीजा ऐप में विड्रॉल एंड पेमेंट्स प्रूफ के क्वेरीज यूट्यूब पे सर्च करते हैं। कुछ लोगों को पेमेंट्स प्रूफ चाहिए कि रियली में फ्रीजा ऐप पेमेंट्स देती है या नहीं देती है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि फ्रीजा ऐप में हम विड्रॉल नहीं लगा पाते हैं, विड्रॉल के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। इस वीडियो में आपको इन दोनों का आंसर मिलेगा। आपको लाइव पेमेंट्स प्रूफ हम दिखाएंगे, हम विड्रॉ लेंगे, एक क्लिक पे एक सेकंड के अंदर मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा। एंड हम लास्ट में बात करेंगे कि फ्रीजा ऐप में आप विड्रॉ के लिए एलिजिबल कैसे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको फ्रीजा ऐप के विड्रॉल के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं भी से भी वीडियो को स्किप कट मत करिएगा। दोस्तों पहली बार हो चैनल पे, करना चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से पैसे कमा सके। हे गाइस, आई एम किशन झा, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केजा टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस बिना आपका स्माइल क्राफ्ट किए लेकर चलते सीधा मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले देख लेते हैं लाइव पेमेंट्स प्रूफ, देन आगे बात करेंगे कि आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल कैसे होंगे और विड्रॉल कैसे लगाएंगे, आगे बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लाइव पेमेंट्स प्रूफ, चलिए शुरू करते हैं। Let's go started. हे गाइस, मैं आ चुके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, यानी कि फ्रीजा के अपने अकाउंट पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में अभी 52 रुपीज़ है और यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल 50 रुपीज़ रखा गया और चार टास्क हमने कर लिया है। यहाँ पे मेरा जो है ग्रीन टिक लगा हुआ है, हम विड्रॉल के लिए इनेबल हैं। हम विड्रॉल के लिए एलिजिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ मैंने चार टास्क कम्प्लीट किया है, देन मेरे 50 रुपीज़ भी मिनिमम बैलेंस कम्प्लीट हो चुका है, हम विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो लाइव पेमेंट्स प्रूफ दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट वाले सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लौता ऑप्शन है यूपीआई का, यहाँ पे क्या करेंगे, यूपीआई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद ऑलरेडी मेरा यूपीआई यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे भाई, यूपीआई चेंज करेंगे या फिर नया यूपीआई ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दिए हुए ऐड यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी डालना है, देन वेरीफाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, आपका यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डालते हैं, वेरीफाई करते हैं। ओके, हमने अपना यूपीआई डाल दिया, देन क्या करेंगे, यहाँ पे सामने वेरीफाई है, वेरीफाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, मेरा यूपीआई वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, आप यूपीआई को प्राइमरी भी रख सकते हैं, डिफॉल्ट में सेट कर देना, क्लिक करना जिस यूपीआई पे आपको विड्रॉ देना है। आप एक यूपीआई रखना तो एक यूपीआई आप रहेगा, सेलेक्ट करना, देन नीचे में यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। हम अपना 50 रुपीज़ का अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, देन क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन फीस है 2 रुपया वो नहीं लगेगा, 0 रुपया यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस लगेगा, 2 रुपया लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 50 रुपीज़ मुझे बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, अभी 2 रुपया नहीं लग रहा है। ठीक है, अलग टाइम होता है ट्रांजेक्शन फीस लगे, बट यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन फीस सारी कंपनियाँ लेती हैं वो फ्रीजा कंपनियाँ नहीं लेती है, वो आपको जो है फ्री देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे में विड्रॉ अमाउंट है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे, बता रहे हैं कि प्रोसेसिंग ट्रांसफर इन 3 से 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो वेट करेंगे, वेट करने के बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बता रहा है कि विड्रॉल प्रोसेसिंग, योर पेमेंट इज बिंग प्रोसीड, यानी कि प्रोसीड हो चुका है मेरा पेमेंट। ठीक है, और कुछ देर में ही मेरा पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आकर डन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, डन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा भाई डन। ठीक है गाइस, मुझे 50 रुपीज पेमेंट इंस्टेंट मिल गया। आई होप आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा। गाइस मैंने पेमेंट लिया है अपने कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में। कोटक एप्लीकेशन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते और नई स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं दूसरे मोबाइल से फोटो खींच के यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। एंड आपको फ्रीजा ऐप का भी स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ। फ्रीजा कंपनी की तरफ से मुझे मैसेज आ चुका है कि मुझे 50 रुपीज जो मिल चुका है, 50 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। आई होप यहाँ पे आपको स्क्रीन शॉट के माध्यम से सारी चीजें आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख रही होंगी कि मुझे 50 रुपीस का पेमेंट रिसीव हो चुका है। इंस्टेंट पे होता है, एक क्लिक में आपको फ्रीजा ऐप से पैसे मिल जाते हैं। गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट्स पे। काफी लोग जो है यहाँ पे अर्न तो कर रहे हैं, उनको रेफरल से इनकम आ रही है, बट जब वो विड्रॉ लगाना चाहते हैं तो वो विड्रॉ के लिए एलिजिबल नहीं है। गाइस फ्रीजा ऐप में आपको विड्रॉ लगाने के लिए कुछ क्राइटेरिया जिसे आपको कंप्लीट करनी होती है। सबसे पहला क्राइटेरिया हो जाता है कि आप विड्रॉल तभी लगा सकते
सकते हैं जब आप जो है कम से कम 4 ऑफर को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आपने यहाँ पे कंपनी के दिए गए ऑफर्स में आपको जो भी ऑफर्स दिखेंगे, कई सारे ऑफर्स होते हैं जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट होते हैं, डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है, जैसे कि और को मर्चेंट्स अकाउंट्स होते हैं, काफ़ी सारे टास्क रहते हैं ऑफर्स में, जो भी टास्क रहते हैं आपको 4 टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे सक्सेसफुली। 4 टास्क अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया तो आप यहाँ विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैंने टास्क कंप्लीट कर लिए, ऑफर कंप्लीट करने का मुझे पैसा भी मिल गया, बट मुझे मेरा यहाँ पे जो है 4 ऑफर कॉइन नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे विड्रॉल लगाने जाते हैं वहाँ पे 4 का 4 जो है ऑफर कंप्लीट करने के लिए मुझे बोला जाता है। और लोग 4 ऑफर कंप्लीट भी कर चुके हैं, 4 ऑफर का पैसा भी उनको मिल चुका है, फिर भी जो है विड्रॉल लगाते टाइम उनको बोलता है कि 4 ऑफर कंप्लीट करिए। क्या इसका सिंपल सा आंसर है और सिंपल सी लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ, इसका ध्यान देना। जो भी कोई ऑफर होता है तो आपने ऐसा ऑफर कंप्लीट कर लिया होगा जिसमें आपको कुछ पेमेंट इंस्टेंट मिलता है और कुछ पेमेंट आपको किस्त के रूप में मिलता है कि एक हफ्ता इस एप्लीकेशन को अपने फोन में रखो, 10 दिन एप्लीकेशन को अपने फोन में रखो, डेली डेली करके हम आपको पैसा देंगे। एग्जाम्पल फॉर कोई टास्क जो है 30 रुपये का है तो उसमें बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, ऑफर में जो एप्लीकेशन देंगे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, 10 रुपये हम आपको इंस्टेंट देंगे और आपको 20 रुपया जो है हम आपको 10 दिन एप्लीकेशन को डेली ओपन करने का एक रुपया करके आपको देंगे, ठीक है, या 2-2 रुपया करके आपको हम देंगे 10 दिन में, तो 20 रुपया हो जाता है, उसके बाद 30 रुपया आपको मिल जाता है। तो जब तक आपको ऑफर का पूरा पैसा नहीं मिलता है तब तक आपका ऑफर कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए जब आपके बैलेंस विड्रॉ लैक हो जाते हैं या फिर रेफर से आ रहे हो या फिर आपने ऑफर कंप्लीट कर रखे हैं, ऑफर कंप्लीट करके अगर आप जो है विड्रॉ लैक अमाउंट हो जाता है, मिनिमम विड्रॉ 50 रुपीज अभी है, तो फिर आपको जो है ऑफर कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने ऑफर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। फिर भी आपका वहां दिखाता है कि 4 ऑफर कंप्लीट कर लिए, इस चीज का ध्यान रखना कि जो ऑफर आप कंप्लीट कर रहे हो उसमें देखो कि कितने दिनों का जो वहां पे क्राइटेरिया दिया गया ऑफर कंप्लीट करने का। कोई ऑफर में 10 दिन, कोई ऑफर में 1 हफ्ते ऐसे दिए जाते हैं, तो वो 1 हफ्ते 10 दिन पूरा का पूरा कंप्लीट करो, टोटल का पेमेंट ले लो ऑफर का, उसके बाद एक ऑफर आपका अकाउंट होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। जो ऑफर में डायरेक्टली इंस्टेंट दिया जाता है 10 रुपया, उसके बाद कोई अमाउंट नहीं दिया जाता है, तो वो आपका अकाउंट हो जाएगा। इस तरीके से इसका ध्यान रखना, इस चीज बहुत लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऑफर पे ध्यान दो, ऑफर कैसे कंप्लीट कर रहे हो, कौन सा ऑफर कंप्लीट कर रहे हो, कितने दिन में ऑफर कंप्लीट होगा। जो ऑफर में 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम रहता है, तो 1 हफ्ते 10 दिन कंप्लीट करने के बाद जब टोटल अमाउंट आपको मिल जाता है ऑफर का, तब एक ऑफर कंप्लीट होगा। इसलिए आप जो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म वाला ऑफर को कंप्लीट करें अगर आपका वॉलेट में ज्यादा बैलेंस है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहा आज का ये वीडियो, आई होप आपको प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुका होगा, आप समझ चुके होंगे कि आप जो विड्रॉल के लिए एलिजिबल कब और कैसे होंगे, ठीक है। तो याद रखना ऑफर जो है शॉर्ट टर्म वाला यूज करो अगर आपके वॉलेट में ज्यादा बैलेंस है, और आपके वॉलेट में ज्यादा बैलेंस नहीं है तो लॉन्ग टर्म ऑफर कंप्लीट करो। फ्रीजा ऐप में आपको ऑफर कंप्लीट करने का 1000 रुपये 1200 रुपया ये अमाउंट भी दिए जाते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट लेने के लिए या फिर कोई आपको नॉर्मल एप्लीकेशन है ऑफर में, वो एप्लीकेशन वाले टास्क कंप्लीट करने में आपको अगर ज्यादा पैसा दे रहा है फ्रीजा कंपनी, तो वो एप्लीकेशन आपको फॉर्म इंस्टॉल करके रखने को बोलेगा। कोई एप्लीकेशन 7 दिन रखोगे तो आपको 7 दिन में डेली बाय डेली एप्लीकेशन ओपन करने का पैसा देगा। कोई एप्लीकेशन 10 दिन अपने फॉर्म में रखते हो, अगर फ्रीजा बोल रहे तो आपको रखना पड़ेगा, 10 दिन में आपको डेली बाय डेली यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करने का पैसा देता है। तो याद रखना जो टास्क का क्राइटेरिया टाइम का वो पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका एक ऑफर कंप्लीट होगा, तब जाके आप जो है वहां पे विड्रॉल वाले सेक्शन में देखोगे, एक ऑफर कंप्लीट हो जाएगा, 3 ऑफर बचेगा, 4 ऑफर इस तरीके से कर लोगे तो काफी इजी है। इसलिए लॉजिकली समझो बात को, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक।